गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज डे 72 है मेरी नो फैब जर्नी का, मतलब ब्रह्मचर्य का। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी खास बातें बताने वाला हूँ जो आपकी इस जर्नी में मदद करेगी। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपने आज से ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें 1 मंथ का चैलेंज लेना है या 2 मंथ या 3 मंथ, तो उसमें आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले तो आज आपको ये बता दूँ कि चेजर इफ़ेक्ट, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आपने इसको नहीं समझा ना, तो आप अर्जेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अर्जेस होती हैं हमारी फीलिंग्स, जो जब हम नोफैब पे होते हैं ना, तो हमारी बॉडी की पावर इतनी बढ़ जाती है कि हमारी बॉडी चाहती है किसी तरह हम उस पावर को बाहर निकाल दें। मतलब जो हमारा सीमन है, जो हमारा वीर है, वो किसी तरह बॉडी से बाहर निकले और हम नॉर्मल फील करें जैसे हम पहले करते थे। पर जो नोफैप जर्नी है, इसमें आपको मतलब इसका मेन मोटो ये है कि आपकी पावर को बढ़ाना, माइंड पावर बढ़ाना, आपकी बॉडी को बढ़ाना, मतलब बॉडी पावर को बढ़ाना। चेजर इफ़ेक्ट की वीडियो जिसने नहीं देखी तो वो मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके चेक कर ले। क्योंकि जब आपकी पावर बढ़ेगी ना, तो यार मतलब उसको कहीं ना कहीं आपको यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्रिएटिविटी में यूज़ कर लो, आप स्टडी में यूज़ कर सकते हो उस पावर को। और जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ, इस जगह पे मुझे अपनी पावर यूज़ करनी है और ये पॉन वगैरह में नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि ये आपको डाउन ही करता रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो जो आप डाउन पे जा रहे हो, आपकी बॉडी, आपका माइंड उस डाउन लेवल पे जा रहा है, उससे अगर आपको उठना है, तो आपको यार ये नोफैब स्ट्रीक तो लेनी ही पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये जो स्ट्रीक ली है वो 2021 के एंड तक ली है, मतलब 31 दिसंबर 2021। और ये मैंने स्ट्रीक स्टार्ट करी थी 22 अक्टूबर 2020 में। हाँ, तो मेरे ये जो डेज़ मैंने निकाले हैं, मैं इनमें आपको बता रहा हूँ कि मतलब कैसा फील होता है हर दिन। और अगर मैं पहले या दूसरे दिन या पहले या दूसरे महीने का एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर पाता, तो यार बहुत बहुत अच्छा होता कि मैं आपको उस बारे में बता देता। क्योंकि आपकी जो जर्नी है, सबसे टफ पॉइंट होता है, पता है, पहला महीना या दूसरा महीना सबसे टफ पॉइंट होता है। मतलब फॉर क्योंकि अभी जो मेरी जो हार्ड मोड की जो स्ट्रीक है, ये 22 अक्टूबर से बनी है। पर मैंने जो स्टार्ट किया था स्ट्रीक बनाना, ये मतलब 2020 के स्टार्टिंग से कर दिया था। कुछ मेरी स्ट्रीक 40 डेज़ की रही, कुछ 13 डेज़ की रही, कुछ तो ऐसा रहा कि 45 डेज़ प्लस चली गई हैं। पर मतलब कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो स्ट्रीक कम रही। पर जब मैंने धीरे धीरे नॉलेज गेन करी, तब मुझे पता चला कि चेजर इफ़ेक्ट क्या होता है, इसमें इंसान कैसे फंस जाता है, फिर इससे कैसे निकले, और जो एडिक्शन होती है उनसे कैसे बाहर आए। तो मतलब जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मुझे हुआ है इस नोफैब जर्नी में, वो ये रहा है कि यार आपने अगर इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया ना, मतलब अगर आपने मैस्टर्बेशन के हैबिट को कंट्रोल कर लिया, आपने अपनी सीमन रिटेंशन जारी रखा, तो जो अर्जेस होती है ना कि मुझे सिगरेट पीनी है या मुझे नशा करना है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। मतलब कम क्या, एकदम मन करेगा ही नहीं कि मुझे अब करना है। क्योंकि आपको पता है, आपको एक अलग लेवल की जो खुशी है ना, वो नोफैब से मिलने लगती है कुछ टाइम बाद। अब यार ये मेरी स्ट्रीक जो चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज सोचा और मतलब कल से तुरंत चालू हो गई, नहीं। इस स्ट्रीक मेरे को 4-5 बार मैं घिरा हूँ। मतलब आप सोच सकते हो, 2020 जब मैंने स्टार्ट करी थी, मेरी स्ट्रीक 13 डेज़ की रही, फिर मतलब ऐसे 40 डेज 45 डेज रही, फिर रिलैप्स हुआ, फिर 1-2 महीने चेजर इफ़ेक्ट में मैं फंसा रहा। फिर जब मैंने नॉलेज गेन करी, उसके बाद जाके मैं इतनी लंबी स्ट्रीक बना पाया हूँ, नोफैब हार्ड मोड 72 डेज, और इसको मैं पूरे ईयर लेके जाऊँगा। तो यार इन सब के बारे में नॉलेज लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं होगी ना, तो आप कुछ भी कर लो,
अब कहीं ना कहीं गिरोगे, फिर वहाँ से उठना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे हिसाब से आप अगर इस न्यू फैब जर्नी में आ रहे हो तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है यार। मेरे साथ जुड़े रहो, मैं आपको नॉलेज देता रहूँगा हर चीज़ के बारे में। और ये 2021 है ना, इसमें तो यार कमाल ही कर देना है। मतलब जितने भी कहते हैं ना पाप वगैरह किए हैं, वो सब धुल लें यार। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल सुबह फिर से मिलते हैं। आई होप आप सबकी जर्नी अच्छी जाए और आप सब कमाल करें अपनी लाइफ में। लव यू गाइस।